वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बॉर्न टू ट्रैवल। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दानू में श्री महालक्ष्मी माता का टेंपल, और वहाँ से हम लोग वापस जाएंगे दानू बीच के लिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग अवर फॉर अवर ट्रेन एट बोरीवली स्टेशन। वी आर गोइंग टू ट्रैवल बाई लोकल ट्रेन, तो चलो लेट्स एक्सप्लोर द दानू। सो अभी ये सामने आप जो देख रहे हो, दिस इज़ द फेमस जीवदानी टेम्पल एट विरार। Finally, we have reached at the Danu station. Right now, it is around 12:15. तो समझ लीजिए तकरीबन कुछ 10:30 बजे हमने स्टार्ट किया था वहाँ से। तो 1 hour 45 minutes की जर्नी है फ्रॉम बोरीवली स्टेशन। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द दानू विलेज। दिस प्लेस वॉज नोन एज द दानू गाँव। एक्चुअली ये बहुत साल पहले यहाँ पे विलेजर्स जो हुआ करते थे उनके पास में बहुत सारी गायें हुआ करती थी, तो उस वजह से ये जो पूरा एरिया है वो देनू ग्राम के नाम से फेमस था। समय चलते उसका नाम जो है दानू विलेज हो गया, और अभी राइट नाउ दिस प्लेस इज़ नोन एज ए दानू रोड। तो दानू रेलवे स्टेशन पर आपको ये नीरा बिक्री केंद्र मिलेगा, जिसका चार्ज है 10 rupees per bag, एंड रियली दिस इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। तो आप जब कभी भी आएंगे तो ये पी सकते हैं। अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स महालक्ष्मी टेम्पल। अभी हमने हमारे लिए ऑटो बुक कर लिया है। बेसिकली दिस इज़ आ टमटम, और इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन हमने हमारे लिए प्राइवेट ऑटो कर ली है। तो चलो चलते हैं महालक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए। महालक्ष्मी माता के दर्शन करने के पहले हम लोग जाएंगे संतोषी माता के दर्शन करने के लिए, जो रास्ते में ही उनका मंदिर आता है। तो चलो लेट्स गो एंड डू द दर्शन। अभी हम लोग पहुंच गए हैं संतोषी माता के मंदिर के वहां पे। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अंदर दर्शन करेंगे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकान वगैरह है, यहाँ से पूजा की सामग्री वगैरह भी आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे माता जी की जो मूर्ति है वो केव्स के अंदर है। अंदर जाने का रास्ता बहुत ही नैरो है, लेकिन आप जा सकते हो आराम से, थोड़ा बैंड होके जाना पड़ता है। ये देखिए माता जी के मंदिर अंदर है, ये उनके दर्शन कीजिए। जय माता जी। दोस्तों ये संतोषी माता का जो मंदिर है ये पूरे पहाड़ी के बीचों बीच है। एक्चुअल में ये जो मंदिर बनाया गया है वो मंदिर पहाड़ी के अंदर एक गुफा के अंदर माता जी की मूर्ति है, और जो मेन मंदिर है जहाँ पे अभी हमने दर्शन किए वो पहाड़ों के बीच में से एक पत्थर के अंदर से माता जी की मूर्ति प्रकट हुई है। द रोड्स आर वेरी गुड, और इसके लिए जर्नी का पता नहीं चलता है। ऐसे तो डिस्टेंस काफ़ी है, एंड राइट नाउ मार्च मंथ में गर्मी भी बहुत है यहाँ पे अभी, लेकिन द रोड्स आर इन अ वेरी गुड कंडीशंस।
दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, इसकी वजह से जर्नी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। ये अभी हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 8 के साथ में कनेक्ट हो गए हैं। अगर मानो कि आप बॉम्बे से बाय रोड आते हैं तो आप ये हाईवे से सीधा मंदिर जा सकते हैं, और अगर आप मानो कि ट्रेन से आते हो तो आपको वहाँ से सहरे ऑटो वगैरह भी मिल जाएगी, जिसके लिए चार्जेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो दानू स्टेशन से रेगुलर ऑटो रिक्शास वगैरह सहरे ऑटोज वगैरह मिलती है, तो वैसे भी आप आ सकते हो। तो अभी हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 8 पे है, एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड चौरोटी नाका, और वहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो अराउंड कुछ 4 किलोमीटर्स है। तो तकरीबन कुछ 15 से 20 मिनट में हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे, महालक्ष्मी माता के मंदिर। और ये सामने अभी हमें गढ़ एकदम ही क्लियर दिखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, ये है माता का गढ़, यहाँ पे भी माता जी का मंदिर है, लेकिन हम लोग वहाँ पे अभी नहीं जाने वाले हैं। हम लोग जो नीचे तलेटी में माता का जो मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। मंदिर प्रीमाइसिस के अंदर भी पूजा की सामग्री वगैरह के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ से भी आप पूजा का सामान ले सकते हो। अभी हमने पूजा की सामग्री ले ली है और अभी हम लोग मंदिर में जा रहे हैं दर्शन के लिए। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे जब कभी भी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं और बड़े दिन होते हैं जहाँ पे भक्तों की भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उन्होंने दर्शन के लिए बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, उसकी वजह से मैं अंदर के आपको दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन अभी हमने अंदर जाके माता जी के मंदिर के दर्शन किए। और अंदर माता जी के मंदिर का स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर है, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे और माता जी के दर्शन कीजिए। जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में यहाँ के जवाहर राज्य के कोली राजा जयबा मुकने द्वारा किया गया था। आज भी यहाँ पे जब कभी भी बड़े फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो लोकल ट्राइब्स जो है वो उनका फेमस जो नृत्य यानी कि ट्राइबल डांस जो है तर्पण, वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक महालक्ष्मी यात्रा करके एक फेस्टिवल जो है वो 15 दिन का रहता है, वो हर साल हनुमान जयंती को स्टार्ट होता है और अगले 15 दिन तक चलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मंदिर परिसर में माता जी का ध्यान करेंगे, और उसके बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोग यहाँ से धानु बीच के लिए निकल जाएंगे। Thank you.
आप यहाँ पे आएंगे तो कंदी पेड़ा करके यहाँ पे स्वीट जो है वो बहुत फेमस है, तो वो आप लेके जा सकते हो। उसका रेट जो है 100 रुपीज़ 250 ग्राम है, मतलब 400 रुपीज़ पर केजी। फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर एट दी दहानू बोडी बीच। दिस बीच इज इंटरकनेक्टेड, बोथ द बीचेस आर इंटरकनेक्टेड एंड टोटल जो उसकी लेंथ है दैट इज इट इज सेड के मोर देन 15 किलोमीटर्स। अभी जो दहानू बीच पे अभी राइट नाउ वी आर एट दी दहानू बीच, तो वो जो स्टेशन से कुछ अराउंड 3.8 किलोमीटर्स अवे, एंड जो बोडी बीच है वो बोडी स्टेशन से वहाँ से कुछ 2.8 किलोमीटर्स दूर है। बोथ द बीचेस आर सेम, बोथ द बीचेस हैव द ब्लैक सैंड एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहते हैं और ओवरनाइट स्टे वगैरह भी करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम कैंपिंग फैसिलिटीज ऑल्सो देयर हियर, तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज़ द आइडियल प्लेस फॉर टेकिंग लॉन्ग वॉक, साइकिलिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बहुत बहुत ही अच्छी जगह है, यू मस्ट विजिट दिस बीच। और मेरे पीछे आप देख सकते हो द बीच इज सो गुड, इट इज़ वेरी क्लीन एंड नीट। एक्चुअली आज सैटरडे है लेकिन वो हिसाब से क्राउड बहुत ही कम है यहाँ पे। मे बी एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो उसकी वजह से भी एक ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में वेकेशन के टाइम पे यहाँ पे वीकेंड्स में बहुत ही क्राउड रहता है, तो वो हिसाब से आप प्लान करके आइए यहाँ पे। एंड मेरे पीछे जो आप देख सकते हो, देर आर लॉट मेनी ट्रीज़ एंड सिटिंग अरेंजमेंट इज़ देयर। उसके नीचे आप बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर वगैरह भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, जस्ट नाउ व्हाट आई सेड कि ये जो बीच है उसकी जो सैंड है दैट इज़ ब्लैक सैंड बीच। हम लोग रिसेंटली अभी गए थे गणपति फुले, तो मैं अगर उसके साथ कंपेयर करूँ तो बोथ द बीचेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वहाँ पे टोटली डिफरेंट था सिनारियो। वहाँ पे जो सैंड थी उसकी वेरी वाइट, बिकॉज उसका नाम ही गणपति फुले, फुले मतलब का फुले का मतलब ही वाइट होता है, वाइट सैंड बीच। ओके, और उसके बाद हम लोग अभी रिसेंट टाइम में गए थे यहाँ पे मुंबई में गोराई बीच, तो उसका जो बीच है उसकी जो सैंड है वो भी समवट मैं कह सकता हूँ कि दहानू बीच के जैसे ही सिमिलर ही है। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाते हो, यू विल गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, तो नेक्स्ट जो स्टॉप है दैट इज़ गोलवड़, और गोलवड़ के आगे जो है दैट इज़ बोडी बीच। अभी अगर आप ट्रेन से, लोकल ट्रेन से आते हो तो द लास्ट स्टॉप इज़ दहानू स्टेशन, उसके आगे लोकल ट्रेन नहीं जाती है।
तो गोलवड और बोडी के लिए वो वेरी फ्यू ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो उसकी वजह से भी मे बी टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे थोड़े कम जाते हैं कंपेयर टू दानू। एंड कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखोगे तो आई थिंक सो के दिस बीच इज़ वेरी नियर टू द दानू रोड स्टेशन, तो एंड लॉट मैनी ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर टू रीच ओवर हीयर, तो उसकी वजह से भी ये बीच है वो कंपेयर टू ज़्यादा फेमस है बोडी और गोलवड से। दिस इज रियली अ नाइस प्लेस टू टेक अ लॉन्ग वॉक। हम लोग अभी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए पीछे टूरिस्ट वगैरह बहुत ही कम है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम एट द दानू बीच, हम लोग अभी दानू स्टेशन पहुंच गए हैं। राइट नाउ वी आर एट द दानू रोड स्टेशन। अभी हम लोग लोकल ट्रेन में बैठ के वापस बोरीवली जाने वाले हैं। अभी द शेड्यूल टाइम इज 7:05 फ्रॉम दानू रोड स्टेशन, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी हम लोग 10 मिनट में यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। एंड इट्स 8:50 इन द इवनिंग एंड फाइनली वी हैव रीच एट द बोरीवली स्टेशन। आज हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा और मैं मेरे ब्लॉग्स यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my video.